अमिताभ बच्चन जी ने गुरुद्वारा में किया 2 करोड़ डोनेट। दिल्ली को 300 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर दिला के की मदद। आइए जानते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट। भारत देश में बढ़ते कोरोना महामारी के कारण और सेकेंड वेव के कारण अब हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने लगी है। इसी वजह से बहुत से सेलिब्रिटीज बढ़ चढ़ कर आगे आते नजर आ रहे हैं और हर तरह से आम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनमें बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन जी भी शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में 2 करोड़ डोनेट किए हैं, और वहीं इस बात की जानकारी दिल्ली के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी और कहा कि जब अमिताभ बच्चन जी इस गुरुद्वारा में पैसे डोनेट कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि सिक्स आर लेजेंडरी, सल्यूट टू देयर सर्विस। और साथ ही में मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये भी बताया कि जब दिल्ली ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जूझ रहा था तब अमित जी ने मदद की और हमेशा कॉल कर मुझे पूछा करते थे कि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, और अब उनके कारण इस गुरुद्वारा में 300 बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर्स, पैरासाइट्स और एम्बुलेंस की भी फैसिलिटीज़ आ गई हैं और साथ ही ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहीं अगर बात की जाए अमित जी की अपकमिंग मूवीज के बारे में तो हमेशा से अमित जी ने बॉलीवुड को एक से एक सुपरहिट मूवीज दी हैं और अपने फैंस को अपने पर्सनालिटी और एक्टिंग से एंटरटेन करते आए हैं, और अब वो टॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ गुड बाय मूवी में नजर आने वाले हैं और साथ ही में मेडे, ब्रह्मास्त्र और द इंटर्न जैसी मूवीज भी ऑडियंस को देखने मिलेगी। और वहीं अमित जी का सोनी पर आने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए वो आम लोगों को करोड़पति बनने का मौका देते हैं, और इस साल भी ये शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। शो के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, अगर आप भी बनना चाहते हो करोड़पति तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वेल, आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।